बधे एक डोरी से। थारू रघु मामा इतने उदास कहने? माँ आज व्हाइट कार में बेबी जी मामा जी दिखी थी। रघु मामा भागकर उनको बुलाने गए लेकिन फिर वो मिले नहीं। हाँ हम मेघना बोल रहे हैं, शिवानी की फ्रेंड। शिवानी हमारे घर पर ही है, उसी ने हमें बताने को मना किया था। वो बहुत परेशान है, प्लीज आप उससे एक बार मिल लीजिए। बेबी जी भी मेरी जिम्मेदारी है बेला। अलेक्सा मुझ पर भरोसा करके बेबी जी को मेरे हवाले करके गए। जब तक जिंदा हूं अपनी जान देकर भी मालिकसा के भरोसे का मान रखूंगा मैं। मेघना की शॉपिंग के बहाने तुमने अपना उल्लू सीधा कर लिया ना, उसकी शॉपिंग के साथ साथ तुमने अपने लिए ये 200 रुपए के इयररिंग्स ले लिए। और बताओ और क्या चाहिए दाम में तुम्हें? तुमको समझे नहीं आंटी। समझे नहीं? माय गॉड, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम इतनी चालाक निकल सकती हो। अरे हमारे घर में पहले ही डेरा डाल के बैठी हो, अब और क्या चाहिए? मेरी सीधी साधी मेघना को बेवकूफ बनाकर उसके सारे पैसे तुम अपने ऊपर खर्च कर रही हो, शर्म नहीं है तुम्हें? अरे सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी चीज होती है। यू आर सेल्फिश। मेघना का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? आंटी हमने मेघना से कुछ भी लाने को नहीं कहा था। सच में आंटी हमें इस बारे में कुछ नहीं मालूम। आप हमारा यकीन करिए। यकीन करें हम तुम्हारा? मैं अच्छी तरह से जानती हूं तुम जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रही हो। लेकिन हाय हाय करोगी क्या? अब शादी तो तुमने एक सर्वेंट से कर ली ना, लेकिन ख्वाहिशें हाय हाय वो कहां मरती है। तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अब तुम्हारे पास पैसे नहीं है। इसलिए तुम हम लोगों का खून चूस रही हो। साहब आपसे विनती है, हम बेबी जी से अकेले में बात कर सकते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं, अब तुम दोनों सगे वाले जो हो गए हो, तू नौकरानी और ये रघु नौकर की रानी। आप रघु के पास वापस लौट जाइए। मालिकसा के बाद अगर कोई है जो अपनी खुशियों से ज्यादा आपकी खुशियों को चाहता है वो सिर्फ रघु है। यही तो उसकी प्रॉब्लम है पन्नादाई, उसने तो जैसे जीना ही छोड़ दिया है। सिर्फ हमारी वजह से वो अपने परिवार वालों से दूर होता जा रहा है और हम अपनी खुशी के लिए उसकी खुशियां नहीं छीन सकते पन्नादाई। हम इतने सेल्फिश नहीं हो सकते। हमने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है पन्नादाई। आपको हमसे एक वादा करना होगा। हम यहां पर हैं इसके बारे में आप रघु को कुछ नहीं बताएंगी? नहीं बताएंगे। आप चाहे ना हो या ना हो बेबी जी, इस घर में जो आपकी जगह थी वो हमेशा रहेगी। चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको ढूंढ के लाऊंगा, जरूर लाऊंगा।